हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोबोट स्टडी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा दोस्तों बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों, व्हीटस्टोन सेतु की बनावट एवं कार्यविधि। तो इसको हम पूरी तरह से सिद्ध करेंगे। तो इसका उत्तर स्टार्ट होता है दोस्तों, यह एक प्रकार का व्यवस्था है जिसमें 4 प्रतिरोध उपस्थित होते हैं, उसमें 3 ज्ञात प्रतिरोध द्वारा चौथे अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है। इसमें से 3 जो है दोस्तों ज्ञात रहता है, उसमें से चौथे को ज्ञात किया जाता है। 3 दिया हुआ रहता है और चौथे को प्राप्त किया जाता है। तो इसका सिद्धांत है दोस्तों, यह किरचॉफ के द्वितीय नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। और इसका फिगर हम आपको दिखाते हैं दोस्तों। इसका फिगर है, यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है दोस्तों जो कि प्लस माइनस है, और यहाँ से धारा उत्पन्न होगा दोस्तों, यहाँ पे आएगा, उसके बाद एक धारा इधर आएगा और एक धारा इधर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया I1 और ये I2। ठीक है दोस्तों, और ये गैल्वेनोमीटर है दोस्तों, जिसमें कि IG से हमने डिनोट किया है। और आगे हमारा जब ये धारा इस तरफ आएगा तो दोस्तों I2 - IG। ठीक है दोस्तों, इसका बारे में हम आगे बताएंगे आपको जब इसका सूत्र हम प्राप्त करेंगे। और इधर आएगा तो I1 + IG, और फिर यहाँ से करंट हमारा फॉलो होते हुए यहाँ तक आएगा। तो इसमें से हमने मान लिया है प्रतिरोध है ये हमारा, ये 4 प्रतिरोध है हमारा। ठीक है दोस्तों, इसमें से एक P और दूसरा Q, तीसरा R और चौथा S है दोस्तों। उसमें से हमने बिंदु को डिनोट कर दिया है A, B, C, D। ठीक है दोस्तों, तो फिगर के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब फिगर में क्या किस प्रकार का है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। 4 अलग अलग प्रतिरोध, ठीक है दोस्तों, P, Q, R, S को चित्रानुसार व्यवस्थित किया जाता है, और प्रतिरोध में एक गैल्वेनोमीटर को जोड़ दिया जाता है, तथा परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए एक सेल को जोड़ देते हैं। आगे क्या है दोस्तों इसकी कार्यविधि वो मैं आपको बताता हूँ। सेल की सहायता से परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, जिसके कारण गैल्वेनोमीटर की सुई में विक्षेप होता है। जब विक्षेप का मान, अब आगे मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, जब विक्षेप का मान 0 हो जाता है, सॉरी दोस्तों, हाँ, तो जब विक्षेप का मान 0 हो जाता है तो इस स्थिति को संतुलन स्थिति कहते हैं। संतुलन स्थिति में P/Q और R/S होता है। तो इसी को हमको प्रूव करना है दोस्तों, तो अब आइए देखते हैं कैसे प्रूव होता है। ठीक है दोस्तों, ये हुआ हमारा, यहाँ पे प्रमाण लिखेंगे और हमको सिर्फ इसके बारे में जानना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो 4 प्रतिरोध लिया है मैंने, उसमें से ये है दोस्तों, इस तरह से इसमें हमारा धारा फ्लो होगा। अगर जो नहीं होगा तो वह मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले आपको लेना है लूप ABDA से, यानी लूप ABDA से, ये इतना सा का बारे में जानना है। तो चलिए बताते हैं आपको, लूप ABDA में क्या है दोस्तों, PI2। ठीक है दोस्तों, PI2 प्लस में क्यों है दोस्तों, तो धारा इधर जा रहा है और हमको लेके भी जाना है इधर, तो ये इसका फॉलो कर रहा है सिद्धांत का, इसलिए ये प्लस होगा दोस्तों। उसके बाद क्या है, GIG, ये भी देखिए दोस्तों करंट की दिशा में आ रहा है, इसलिए ये भी GIG प्लस में होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये उल्टा है और इसे हमको लेके जाना है इस तरह से, तो ये निगेटिव हो जाएगा। RI1 = 0 करेंगे दोस्तों। उसके बाद हमको मानना है यदि IG का मान नगण्य हो, यानी कि IG = 0 हो। ठीक है दोस्तों, तो IG = 0 होगा तो क्या हो जाएगा हमारा, PI2 + G × G, IG का मान 0। ठीक है दोस्तों, तो -RI1 = 0, तो हमारा क्या आ गया, PI2 - RI1 = 0। अगर इस माइनस वाले को हम इस पार लाएंगे दोस्तों तो ये प्लस में आ जाएगा। तो ये इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और ये कुछ नहीं है दोस्तों। चलिए आगे की ओर चलते हैं। सेकेंड लूप से, लूप BCDB से, ये लूप कहाँ पे चलेगा दोस्तों, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए बी
सी डी बी से। ठीक है दोस्तों, इसमें भी आपको बता देते हैं हम, ये देखिए क्यू आई टू माइनस आई जी, अब माइनस एस आई वन प्लस आई जी माइनस जी आई जी। अब इसके बारे में हम आपको दिखाते हैं दोस्तों, आइए ये देखिए दोस्तों, क्यू है यहाँ पे दोस्तों आई टू माइनस आई जी, ये देखिए हमको इधर लेके जाना है, करंट भी इधर फ्लो कर रहा है दोस्तों, तो ये प्लस में हो जाएगा जो कि वहाँ पे था दोस्तों। उसके बाद देखिए हमको इधर लेके जाना है लेकिन करंट इधर फ्लो कर रहा है, तो ये माइनस में था, माइनस यहाँ पे था दोस्तों माइनस एस आई वन प्लस आई जी। उसी उसके बाद लास्ट है दोस्तों हमारा, करंट इधर फ्लो कर रहा है लेकिन हमको जाना है लेके इधर, तो ये भी माइनस हो जाएगा दोस्तों, माइनस जी आई जी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको समझ में आ गया, तो आगे चलते हैं। आगे है हमारा दोस्तों, जब आई जी का मान 0 रखेंगे, उसी तरह समीकरण 1 में जैसे रखे थे आई जी का मान नगण्य हो, तो यहाँ यहाँ 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा दोस्तों, क्यू आई टू एस आई वन, एस आई वन और जी गुना करेंगे तो दोस्तों 0 हो जाएगा। तो उसके बाद हमारा क्या बच गया दोस्तों, क्यू आई टू बराबर एस आई वन, ये माइनस वाले को इस पार लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और ये हमारा समीकरण 2 है दोस्तों। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं दोस्तों, आगे हमको करना है दोस्तों समीकरण 1। समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, ठीक है दोस्तों, समीकरण 1 क्या था हमारा, ये था समीकरण 1 और ये था हमने हमारा समीकरण 2, तो इससे इसमें भाग दे दिए दोस्तों। क्या था हमारा समीकरण 1, पी आई टू बराबर आर आई वन, और समीकरण 2 था क्यू आई टू बराबर एस आई वन। तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं दोस्तों, पी आई टू बटे क्यू आई टू, तो आई टू कट गया और इस तरफ आई वन कट गया, तो हमारा देखिए क्या आंसर आ गया दोस्तों। सॉरी दोस्तों, ये मेरा फ़ोन थोड़ा सा ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो हमारा ये प्रूव्ड हो गया पी बाई क्यू बराबर आर बाय एस। तो इसमें हम आपको बता देते हैं पी क्या है, आर क्या है और एस क्या है। तो पी है हमारा प्रथम प्रतिरोध, ठीक है दोस्तों, 4 प्रतिरोध होते थे तो उसमें पी हमारा प्रथम प्रतिरोध, क्यू द्वितीय प्रतिरोध, आर तृतीय प्रतिरोध और एस चतुर्थ प्रतिरोध, यहाँ पे गलत लिखा गया है दोस्तों, फोर्थ प्रतिरोध होगा, ठीक है दोस्तों, फोर्थ प्रतिरोध है ये। तो अगर आपका दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू दोस्तों।